नमस्कार, मैं हूं सौलज भी। स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के चमोली में यात्रा तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है, क्योंकि भगवान बद्री विशाल के कपाट 30 अप्रैल को खुलने हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी आशीष सिंह जोशी और पुलिस अधीक्षक चमोली के साथ जिला स्तरीय अधिकारी बद्रीनाथ पहुंचे। जिलाधिकारी ने समस्त विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 22 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए। इसके साथ ही बद्रीनाथ में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पेयजल विद्युत के साथ सड़क मार्ग के संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण भी किया। वह यातायात और यात्रा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक चमोली तृप्ति भट्ट ने बताया कि यात्रा मार्ग पर 2 दर्जन से अधिक खतरनाक स्थलों को चिन्हित किया गया है और संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। वर्ष काफी रिकॉर्ड यात्रा में श्रद्धालु बाबा श्री बद्रीनाथ धाम में आए थे। इस वर्ष भी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि काफी भारी संख्या में आवागमन रहेगा। यातायात की व्यवस्था के लिए ट्रैफिक प्लान्स इन प्लेस हैं, जो वन वे बनाए जाने हैं, और जो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात को जो हम पूरी तरह प्रतिबंधित करते हैं रात्रि काल में, उसको भी हम लोग स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करवाएंगे। उसके अलावा जो लैंडस्लाइड जोन्स हैं उनका हम दोबारा चिन्हीकरण करवा रहे हैं। विगत वर्ष करीब 37 लैंडस्लाइड एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए थे, लेकिन इस बार उनको हम चिन्हीकरण करके दोबारा जो डिप्लॉयमेंट है JCBs का, उसको भी हम रीअसेस कर रहे हैं। उसमें शांति सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल या सड़क की सुरक्षा हो गई, और बिजली की व्यवस्था है, मेडिकल व्यवस्था है, उसके संबंध में आज हम लोगों ने एक डिटेल्ड मीटिंग ली थी। तो उसमें ये क्लियर निर्देश दे दिए गए हैं कि 22 अप्रैल तक सारी व्यवस्था अपनी दुरुस्त कर लें, चाहे वो सड़क संबंधी हो, पेयजल संबंधी हो या बिजली संबंधी। तो उस संबंध में मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिवली हम लोग 22 तारीख तक। चमोली से अनिल राणा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी अपने गृह जनपद हरदोई पहुंचे। वहीं उन्होंने उन्नाव मामले में राहुल गांधी के उस बयान का खंडन किया, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि प्रदेश सरकार आरोपियों की मदद कर रही है और प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। वाजपेयी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिस तेजी के साथ अभियुक्तों को जेल भिजवाने का काम किया है और पूरे प्रकरण को CBI को सौंपने का काम किया, मैं नहीं समझता कि किसी भी सरकार में ऐसे मामले में इतनी तेज गति से कार्रवाई हो। हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। आज भले ही सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन का जमाना हो, लेकिन भारतीय रेलवे के इतिहास में कल की तारीख खास महत्व रखती है। भारतीय रेल कल 165 साल की हो गई है। 16 अप्रैल 1853 में पहली बार भारत की जमीन पर रेलगाड़ी चली थी। मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक चली इस ट्रेन में उस समय लगभग 400 लोगों ने सफर किया था। साथ ही इस ट्रेन को 33 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.25 घंटे का वक्त लगा था, लेकिन वक्त के साथ भारतीय रेल में भी बदलाव होते गए। आज भारतीय रेलवे लगभग 2.5 करोड़ लोगों को रोज सफर कराती है। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found manglik.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglik.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on manglik.com, use promo code nation1. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के महोबा में 2015 में विवाहिता को दहेज की मांग पूरी न होने पर पति और सास ससुर ने जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद घटना को अंजाम देकर पिता पुत्र तभी से फरार चल रहे थे। वही पुलिस ने इस मामले में आरोपी मर्दिका की सास उमा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद SP द्वारा दोनों अभियुक्तों पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2015 में थाना कोतवाली क्षेत्र में जो है एक अभियुक्त पंजीकृत किया गया था 498-300 का, जिसमें राम नरेश पुत्र बाबू राम ने अपनी पत्नी कौशल्या को जला के दहेज के कारण मार डाला था। महोबा से आकांत शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी के उन्नाव गैंगरेप का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि हापुड़ में 3 हैवानों ने एक नाबालिग को अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। ताजा मामला पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग लड़की दुकान पर सामान लेने गई थी, तभी गांव के 3 युवकों ने लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये पिलखुआ क्षेत्र का एक मामला संज्ञान में आया है, तहरीर प्राप्त हुई है, नेम तहरीर है, 2 लोगों के खिलाफ अभी तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा जो है पंजीकृत करा दिया गया है और पीड़िता को मेडिकल के लिए जो है भेज दिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी फरार हैं और तब इसके लिए जो है 2 टीमें बनाई गई है, पकड़ने का प्रयास किया। क्या हुआ, ये 3 लड़के जबरदस्ती से
उन्होंने लड़की ने ये बताया कि तीन आदमी मुझे जो मैं फोटो लेने गई मुझे जबरदस्ती एक कार में बैठा दो जनों मुझे जबरदस्ती कार में ले गए। हापुड़ से राजन त्यागी की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।